तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो 110 वोल्ट डीसी चार्जर होता है, आपका बैटरी बैंक चार्जर होता है, जो आप लोग देखे होंगे सब स्टेशन में जो चार्जर होता है, फ्लोट कम बूस्ट चार्जर, ठीक है, फ्लोट कम बूस्ट चार्जर 110 वोल्ट का फ्लोट कम बूस्ट चार्जर जो होता है वो कैसे काम करता है, मैं यहाँ पे एक सर्किट ड्राइंग बना के रखा हूँ। तो ये देख लीजिए, लेफ्ट साइड में मेरा है बूस्ट चार्जर का ड्राइंग और राइट साइड में जो है फ्लोट चार्जर का ड्राइंग। तो कंप्लीट एक फ्लोट कम बूस्ट चार्जर है, ठीक है, फ्लोट भी चलता है और बूस्ट भी चलता है, ठीक है। तो इस तरफ जो है ये मेरा लोड साइड है और ये है मेरा बैटरी बैंक साइड, ये जो ये मैं साइन बना के रखा हूँ, ये हो गया बैटरी बैंक साइड और इस तरफ जो है वो लोड साइड है, ठीक है। तो अभी काम कैसे करेगा ये, तो उसका बारे में डिस्कस, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या है, ये बस बार तीनों है, ये हो गया आपका आर फेज का, ये वाई फेज का और ये बी फेज का, ठीक है। ये तीनों बस बार है, तो यहाँ पे क्या है, वोल्टेज है, एसी सप्लाई है, ठीक है, 240 वोल्ट एक एक में एसी है, तो फोर थ्री फेज में आपका 440 हो गया, ठीक है, 440 हो गया, नहीं तो 415 हो सकता है, ठीक है, 415 वोल्ट ले लेते हैं, 415 वोल्ट एसी है, ठीक है। यहाँ पे एमसीबी एक लगा हुआ है, यहाँ पे एमसीबी एक लगा हुआ है, ये आपका रेक्टिफायर मॉड्यूल है, ये आपका रेक्टिफायर मॉड्यूल है, ठीक है। यहाँ पे लोड है ये, ठीक है, हो गया। और ये एक आपका एक इंटरलॉकिंग सर्किट लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी आगे डिस्कस करेंगे कि चलता कैसे है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लोट का, ठीक है, क्योंकि फ्लोट ही हमेशा लगा रहता है हम लोग का चार्जर पे। जब फ्लोट क्या करता है, हम लोग का बैटरी बैंक को भी चार्ज करता है और लोड को भी, लोड भी चलता है फ्लोट से, ठीक है। तो फ्लोट से क्या होता है, हम लोग का आउटपुट होता है 100 वोल्ट, 110 वोल्ट डीसी आउटपुट आता है। तो जब भी मैं एमसीबी ऑन करता हूँ तो फ्लोट चार्जर ऑन हो जाता है। ऑन होने के साथ साथ क्या होगा, ये रेक्टिफायर से होकर 110 वोल्ट आएगा, ये यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक है, यहाँ से करके आएगा, यहाँ तक पहुँच गया तो 110 वोल्ट आ गया, ठीक है। ये तो पहले का कुछ बुझा देता है, 110 वोल्ट आ गया। तो ये हो गया नेगेटिव, आपका नेगेटिव ये इस तरफ भी जाएगा, ये इस तरफ भी जाएगा, इस तरफ आके बैटरी में, बैटरी नेगेटिव में आ गया और ये वाला ऐसे करके आ गया ना, बैटरी का पॉजिटिव में आ गया। तो क्या हुआ, ये ऐसे करके ये लोड भी चल रहा है, ऐसे करके इस तरफ करके आपका बैटरी बैंक भी चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा एक कंडीशन आता है कि हम लोग को जो बैटरी है वो बढ़ जाता है, कि जब जरूरत होता है उसको बूस्ट चार्ज करने का। तो बूस्ट चार्जर में क्या होता है, हम लोग का नॉर्मल जो बूस्ट चार्जर होता है उसमें क्या होता है, सिर्फ हम लोग बूस्ट मानने से सिर्फ बैटरी को ही चार्ज कर पाते हैं, क्योंकि उसमें वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा आता है, ठीक है। इसका नॉर्मल वोल्ट 110 यानी कि 110 वोल्ट ही आता है, तो इसलिए ये आपका लोड भी चलता है और क्या है, आपका बैटरी भी चार्ज होता है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं बूस्ट चार्जर में, बूस्ट चार्जर में क्या होता है, एक सेकेंड इसको बुझा देता हूँ। तो देख लीजिए, हम लोग का ये हर एक सेल इसमें कितना है, आपका 110 वोल्ट होने से इसमें हो गया आपका 55 सेल है, 55 सेल है। तो हर एक सेल में 2 वोल्ट होता है, तो कितना हुआ आपका 110 वोल्ट हो गया। तो हम लोग जब बूस्ट चार्ज फ्लोट चार्ज करते हैं तो हर एक सेल को हम लोग 2 वोल्ट देते हैं, ठीक है, हर एक सेल को हम लोग 2 वोल्ट देते हैं। तो इसी हिसाब से क्या होता है, 110 वोल्ट हो जाता है और हम लोग का लोड को भी चाहिए 110 वोल्ट लोड चाहिए, ठीक है, 110 वोल्ट लोड को चाहिए। तो ये फ्लोट चार्जर में एक ही बार में हो जाता है, लेकिन हम लोग जब बूस्ट चार्ज करते हैं तो बूस्ट चार्जर में क्या होता है, हम लोग को नॉर्मल एक सेल में 2.6 वोल्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो यानी कि आपका 55 सेल है, तो कितना हो गया, 143 होगा ना, 143 140 ऐसे वोल्ट होगा। तो जब बूस्ट चार्जर ऑन होता है तो बैटरी बैंक में कितना आता है, आपका 143 या 140 ऐसे कुछ वोल्टेज आता है। तो ये हम लोग लोड नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लोड में लेते हैं हम लोग, बूस्ट चार्जर को लोड भी होना, लोड भी जाएगा और आपका बैटरी बैंक भी चार्ज होगा, तो उसका बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब मैं ये एमसीबी ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, एमसीबी ऑफ हो गया, तो ये एमसीबी जब मैं ऑन करता हूँ, ऑन करने के साथ साथ देख लीजिए यहाँ तक सप्लाई आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से सप्लाई आके यहाँ पर आउटपुट आपका आएगा 140 वोल्ट डीसी आएगा, ठीक है, 140 वोल्ट डीसी आ गया, डीसी आ गया ना। तो डीसी आने के साथ साथ क्या होगा, ये सप्लाई इस तरफ आके ऐसे जाएगा और ये वाला ये तो लगा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे करके इस तरफ जाएगा और ये वाला लगा हुआ है। तो अभी मेरा बैटरी बैंक चार्ज हो गया, ठीक है, बैटरी बैंक चार्ज हो गया। तो हम लोग लोड नहीं दे सकते हैं, क्योंकि लोड देने से क्या होगा, 140 वोल्ट लोड देने से आपका जो कॉयल होता है, जो कंडक्टर का कॉयल सब है वो खराब हो जाएगा ना, जलने के चांसेस है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक एनसी काउंटर रहता है, ठीक है, जब फ्लोट ऑन होता है ये वाला एनसी रहता है, जब बूस्ट ऑन होगा ये एनओ हो जाएगा। तो एनओ कैसे होगा देख लीजिए, जब मैं ये एमसीबी ऑन करता हूँ तो इसमें ए करके कॉन्टैक्टर कॉयल है, तो ये कॉयल में जब सप्लाई आता है तो क्या होगा, कॉयल में सप्लाई आने से कॉयल चार्ज हो गया, तो इसका जो जो एनओ पॉइंट है वो एनसी हो जाएगा, जो एनसी एनसी है वो एनओ हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए एक एनसी पॉइंट है,
जब वो कॉइल में सप्लाई आता है, कॉइल ऑन होता है, तो ये NO हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो सप्लाई है ये बंद हो जाएगा ना, कॉइल बंद हो गया तो क्या होगा, कॉइल बंद होने के साथ साथ ये वाला क्या होगा, NO हो जाएगा, ठीक है। तो सप्लाई अभी इस तरफ जाएगा नहीं, ठीक है। एक एक लगा हुआ है लेकिन दूसरा वाला जो लगा नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जाने से आपका लोड चलेगा नहीं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये लोड देने के लिए और एक सेपरेट यहाँ पे एक बाईपास लगा हुआ है, देख लीजिए। ये एक आपका फॉरवर्ड बेसिक जो आपका डाइवर्ट होता है वो लगा हुआ है, यहाँ से 110 वोल्ट करके भेजते हैं। तो कैसे भेजते हैं देख लीजिए, एक सेल का हो गया आपका, ये पूरा मिला के 55 सेल में कितना वोल्टेज है, 55 सेल में आपका है 2.6 करके है, मतलब 143 है, तो हम लोग को 110 करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ सेल कमा देते हैं, जैसे कि 42 सेल करते हैं, ठीक है, 42 43 ऐसे सेल करते हैं, करके हम लोग क्या करते हैं इस तरफ दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आधा से ना 43 या 42 सेल से आप लोग क्या, हम लोग क्या करके एक ये करके लगा के रखें, यहाँ पे एक डाइवर्ट फॉरवर्ड डाइवर्ट है, क्योंकि ये ऐसे जाएगा रिवर्स आएगा नहीं, जब ये आपका फ्लोट चलता है ये रिवर्स आने का जरूरत नहीं है, रिवर्स आ नहीं पाएगा। तो यहाँ से करके ऐसे जाने से क्या होगा, 110 वोल्ट मिल गया, 42 सेल है ना, बाकी तो ये छूट गया है, तो 110 मिल गया, तो ये इस तरफ से होके ऐसे करके जाएगा, ये तो पहले से ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, तो ये लोड चलेगा। तो इसी हिसाब से क्या होता है, हम लोग का जो सब स्टेशन होता है वहाँ पे जो हम लोग का 110 वोल्ट जो DC का चार्जर होता है, फ्लोट कम बूस्ट चार्जर, तो एक ही बार में ये काम कर सकता है, ठीक है।